नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमने लाए हैं आप लोगों के लिए इलिसा करी। आज हम बनाएंगे फिश करी, बंगाली फेमस फिश करी। आज हम बनाएंगे बंगाली स्टाइल में इलिस करी। आज हम बनाएंगे, इसको इलिसा भी बोलते हैं। आइए दोस्तों बनाते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो नए नई रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर दबाइए। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पहले मसाला बना लेते हैं। मसाले के लिए हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून जीरे ले रहे हैं। छोटा स्पून ही इसलिए यहाँ पर 2 टेबलस्पून ले रहे हैं। अब इसके हिसाब से हम मस्टर्ड 4 टेबलस्पून लेंगे। 1 टेबलस्पून ले लिए, 2 टेबलस्पून, 3 और 4, हो गया हमारा 4 टेबलस्पून। 2 मिर्ची ले रहे हैं यहाँ पर, आप चाहे तो हरी मिर्ची ले सकते हैं। हम यहाँ पर कटा हुआ प्याज 1 ले रहे हैं। इसमें पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से बन गया है, मस्टर्ड पेस्ट। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल लेते हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे। आप इसमें प्याज को डालकर थोड़ा फ्राई करेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। हमने यहाँ पर 1/4 सॉल्ट डाल रहे हैं ताकि प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। हमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। देखिए दोस्तों हमारा प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, थोड़ा ब्राउन हो गया है। इसी में हम मसाला को डालते हैं। हमने मसाला पहले बनाए थे उसी मसाला को हम यहाँ पर 3 टेबलस्पून मसाला यहाँ पर डालेंगे। 2 हो गया, ये रहा 3। 3 टेबलस्पून मसाला को डालकर इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। आप लोगों को पता होगा मस्टर्ड पेस्ट कड़वा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा 1/2 कप पानी देकर इसको फ्राई कर रहे हैं। हम यहाँ पर थोड़े सूखे मसाला को डालेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक। अब ये सबको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको थोड़े देर तक फ्राई करेंगे। आप लोगों को पता होगा मस्टर्ड पेस्ट कड़वा हो जाता है ज़्यादा फ्राई करने से, लेकिन हम यहाँ पर 5 मिनट तक फ्राई कर रहे हैं धीमी आंच से। देखिए हमारा पानी सूख गया है, मसाला भी अच्छी तरह से बन गया है। अब इसमें 2 कप पानी देकर इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं मसाला को पानी में। अब इसको फ्राई करते हैं, मतलब बॉईल करते हैं। देखिए उबाल आ गया, इसको कवर कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। मसाला भी अच्छी तरह से बन गया है। हम पहले फ्राई करके रखे थे मछली को, इसी मछली से हमें इलिस करी बनाना है। देखिए हमारा ग्रेवी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, इसमें हम इसी मछली को डालना है। मछली को डाल लेते हैं। देखिए पानी भी सूख गया है, कम हो गया है, इसीलिए हम ये मछली को थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके पानी भी कम है इसलिए हम यहाँ पर 1 कप पानी और देंगे। दे दिए पानी और इसको कवर कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए। देखिए हमारा बंगाली स्टाइल इलिस करी अब रेडी है। हमने कम मसाला में कम ऑयल में इलिस करी रेडी कर ली है और टेस्टी भी। आइए दोस्तों खाते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए रेसिपी जानने के लिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो घंटी ज़रूर दबाइए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।